Hello students, welcome you all. In today's class, I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Mahinderganj, Rajpura, District Patiala. Students, previous lecture में हमने plant breeding की techniques discuss की. हमने ये देखा कि कैसे disease resistant varieties develop की जा सकती हैं, कैसे insect and pest resistant varieties plants की develop की जा सकती हैं. हमने वो स्ट्रेटजीज भी डिस्कस की जिससे हम प्लांट्स की यील्ड को, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. आज के टॉपिक में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूं कि सपोज हमें 1000 प्लांट्स क्लोन्स, जो मॉर्फोलॉजिकली एंड आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं उनको क्लोन्स बोलते हैं, वो हमें ग्रो करने हैं, लेकिन हमारे पास उन प्लांट्स के सीड्स नहीं हैं, हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है सफिशिएंट कि हम वो 1000 प्लांट्स को ग्रो कर सकें, हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं जिस कंडीशंस पे वो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. लेकिन हमें 1000 प्लांट्स ग्रो करने हैं, हमारे पास ऑर्डर है उनका, हमें वो एक्सपोर्ट करने हैं, तो हम कैसे ग्रो करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी है जो हम यूज़ करेंगे ताकि हम वो अपना जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है प्लांट्स का वो कंप्लीट कर सके. तो क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है, कैसे हो सकता है ये? मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल पॉसिबल है. ऐसा है कि एक साइंटिस्ट थे हेबरलैंड, उन्होंने 1902 में एक थ्रेटिकल जो अपने व्यूज़ दिए थे, थ्रेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी कि प्लांट सेल्स दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टोटी पोटेंसी. टोटी मीन्स टोटल, पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल पावर, कि प्लांट सेल्स में वो पावर है जिससे कोई भी सेल प्लांट का एक नया प्लांट रीजनरेट कर सकता है. इवन ए सिंगल सेल टेकन फ्रॉम ए प्लांट कैन रीजनरेट द न्यू होल प्लांट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर. सो यही आज टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. प्लांट टिश्यूज लेते हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट से हम सेल्स ले सकते हैं, टिश्यूज ले सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं, उसको वही न्यूट्रिटिव कंडीशंस देते हैं जैसा कि एक प्लांट जब सॉयल में ग्रो करता है तो वो सॉयल से न्यूट्रिशन लेता है. इस तरह से हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. आप देख रहे हो कि हमने एक सेल लिया प्लांट का, उसको हमने न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला, ठीक है, प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसको दी, और एक सेल से हमने सेम प्लांट ग्रो कर लिया इन विट्रो लैब में अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस. इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक. सो इस टेक्निक से हम बहुत से प्लांट्स विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर सकते हैं. सो हम प्लांट टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, टिश्यू कल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ ए टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन विट्रो. इन विट्रो मीन्स इन आर्टिफिशियल मीडियम, हैविंग ए न्यूट्रिटिव मीडियम, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे उस मीडियम में फ्रॉम प्लांट पार्ट्स लाइक सेल्स और टिश्यूज. क्लियर? अब डायग्रामेटिकली जैसे हमने इस प्लांट का एक सेल लिया, इसको हमने न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला, ये सेल धीरे धीरे मल्टीप्लाई करने लगा और इसने एक एग्जैक्टली सेम प्लांट जो है इससे एक सिंगल सेल से ग्रो कर गया. अब ये प्लांट बिल्कुल इस प्लांट का रेप्लिका है, तो इस प्लांट को हम बोलेंगे सोमा क्लोन्स. सो जो प्लांट्स टिश्यू कल्चर टेक्निक से डिवेलप किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स. प्लांट का जो पार्ट हम ले रहे हैं वो एक सेल भी हो सकता है, हम एम्ब्रियो का पार्ट भी ले सकते हैं, सीड का भी ले सकते हैं, मेरिस्टेम भी ले सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट से भी हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, प्लांट का कोई ऑर्गन भी ले सकते हैं, इवन हम पोलन एंड एग तक भी ले सकते हैं फॉर टिश्यू कल्चर टू डिवेलप ए न्यू
प्लांट। ओके, अब प्लांट का जो पार्ट हमने यूज़ किया टिश्यू कल्चर के लिए उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। एक्स मीन्स क्योंकि हमने वो प्लांट से अलग कर लिया है पार्ट। क्लियर। सेकंड हमने डिस्कस किया कि उस एक्स प्लांट को हमने कल्चर मीडियम में डालना है, न्यूट्रिटिव मीडियम में डालना है। उस मीडियम में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम अगर डालेंगे, अगर आपको पता है जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमें एल्गा से मिलता है, तो ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करता है जिसमें टिश्यूज़ ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और प्रॉपर एरिएशन भी होती है अगर हम अगर मीडियम यूज़ करते हैं। अब सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, हम सुक्रोज डालेंगे न्यूट्रिटिव मीडियम में। ठीक है, इसको कार्बन सोर्स भी बोल सकते हैं। हम विटामिंस डालेंगे उस मीडियम में, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करते हैं, सेम वही न्यूट्रिएंट्स हम उस न्यूट्रिटिव मीडियम में डालेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट टाइप कि उस प्लांट के सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। इसके अलावा फाइटो हार्मोन्स डालेंगे, ठीक है, मेनली हम ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स डालेंगे। ऑक्सिन्स रूट इंड्यूस करते हैं और साइटोकाइनिन्स शूट इंड्यूस करते हैं। कोकोनट वाटर भी हम ऐड कर सकते हैं फॉर न्यूट्रिशन। इसके अलावा प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हम मेंटेन करेंगे, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना पीएच चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट हम प्रोवाइड करेंगे, वो सारी नॉर्मल कंडीशंस हम बनाएंगे जो एक्चुअल में एक प्लांट ग्रो करने वक्त उसके लिए नेसेसिटी होती है। सो ये न्यूट्रिटिव मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टिश्यू कल्चर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेन वी आर परफॉर्मिंग टिश्यू कल्चर, स्टेराइल कंडीशंस या असेप्टिक कंडीशंस। जब हमने सेल्स को ग्रो करना है तो हमें किसी भी टाइप की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस होती हैं। जैसे हमने इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे हमने अपना कल्चर डाला, ठीक है, अब ये सारा न्यूट्रिटिव मीडियम है तो इसको हमें ऊपर से प्रॉपरली सील करना पड़ेगा ताकि कोई भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो सके। अगर बैक्टीरिया एंटर कर गए तो वो सारा न्यूट्रिटिव मीडियम है उसको यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया जीत जाएंगे और हमारा जो टिश्यू कल्चर है वो वाला एक्सपेरिमेंट हमारा फ्लॉप हो सकता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट, स्टराइल कंडीशंस मेंटेन करनी है हमको ताकि कोई भी कंटेमिनेशन से हम उस कल्चर को बचा सकें। इसके अलावा एक्सप्लांट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हमें स्टराइल करना है। इवन जो साइंटिस्ट वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उनके हैंड्स भी हमें स्टराइल करने हैं। जो ग्लासवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्री डिश यूज़ कर रहे हैं हम, या हम टेस्ट ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमें स्टरलाइज करना है ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो सके, ठीक है। अब ये डायग्रामेटिकली आप देखो कि मैंने इस प्लांट का एक छोटा सा जो पोर्शन लिया है उसको एक्स प्लांट, ठीक है, इसको मैंने न्यूट्रिटिव मीडियम में यहाँ पे ग्रो करने के लिए डाल दिया। अब इसको पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी। न्यूट्रिटिव मीडियम हमने पहले डिस्कस किया कि उसमें अगर डालेंगे हम ऑक्सिन्स डालेंगे, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे। तो आफ्टर फ्यू डेज क्या होगा, यहाँ पे मैं एक और पेट्री डिश ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो सेल्स या टिश्यूज हमने डाले न्यूट्रिटिव मीडियम में, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू ए मास ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनेगा जिसको हम बोलेंगे कैलस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कैलस। क्लियर, ये हमारा न्यूट्रिटिव मीडियम है। उसके बाद हम कैलस के सेल्स को सेपरेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, ठीक है। अब हमने ये कैलस के सेल्स को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, हमने सब कल्चरिंग कर दी, हमने जो न्यूट्रिटिव मीडियम था वो फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडियम डाला, उसको बोलते हैं सब कल्चरिंग। तो जितने भी कैलस के सेल्स हमने सेपरेट किए थे, दे स्टार्टेड डिवेलपिंग इंटू स्मॉल प्लांटलेट्स, ठीक है, उनके छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स बनने शुरू हो गए,
नीचे से रूट्स, ठीक है मैं बाहर एक ड्रॉ कर देती हूँ, नीचे से रूट्स आने शुरू हो गई, ऊपर से लीव्स आने शुरू हो गई। तो इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं जो इस पेट्री डिश में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इन प्लांट्स को जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में सॉयल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा सेटअप है तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो ग्रीन चैम्बर भी बना सकते हैं, ताकि इसको जितनी लाइट चाहिए, जितनी इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। और अल्टीमेटली हमारे पास ये सारे प्लांट्स जो हैं वो डिवेलप हो जाएंगे एंड दीज प्लांट्स विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। इनको हम बोलेंगे सोमा क्लोन्स। सो जो प्लांट्स टिश्यू कल्चर टेक्निक से डिवेलप किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। सो आपने देखा कि कैसे एक सेल से या टिश्यू से हमने कितने ही प्लांट्स ग्रो कर लिए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना पड़ा, हमें एग्रीकल्चरल लैंड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे पास सीड्स भी नहीं थे, फिर भी हमने इतने सारे प्लांट्स ग्रो किए। ठीक है, सो बच्चों आपको टिश्यू कल्चर टेक्निक समझ आई, ठीक है कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा थ्रेटिकल पोर्शन पे जाते हैं। द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सेल, हम सेल ले सकते हैं, टिश्यू ले सकते हैं, और एन ऑर्गन ले सकते हैं इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मटेरियल मीडियम। उसमें हम इन सेल्स या टिश्यू को ग्रो करने के लिए डालेंगे अंडर असेप्टिक कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड विद कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। प्लांट्स आर्टिफिशियल लाइट में भी ग्रो करते हैं, लैब में हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उसी डायरेक्शन में सनलाइट आ रही होगी, तो हमें आर्टिफिशियल लाइट का अरेंजमेंट करना होगा, हमें देखना होगा कि जो प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें लाइट की ड्यूरेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो हमने प्लांट पार्ट लिया है उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। सो एक्स प्लांट से एक पूरा का पूरा न्यू प्लांट जो है हम रीजनरेट कर सकते हैं। सो टोटिपोटेंसी, पहले ही मैंने आपको समझाया कि हैबरलैंड ने बोला था कि हर एक प्लांट सेल में ये पोटेंशियल है कि वो एक नया प्लांट रीजनरेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू मल्टीप्लाई एंड टू रीजनरेट इन टू ए न्यू प्लांट। न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने क्या क्या लिया था, कार्बन सोर्स के लिए हमने सुक्रोस ली, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लिए, वाइटामिन्स लिए, अमीनो एसिड्स लिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स लिए, ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, इसके अलावा हम गिबरलिन्स भी ऐड करते हैं। ठीक है, ये सारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं डिपेंड करते हैं हम कौन सी प्लांट टाइप का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द ग्रोथ रेगुलेटर्स। द सेल्स ऑफ द एक्स प्लांट स्टार्ट डिवाइडिंग इन द मीडियम। जब हमने सेल्स को न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला तो वो सेल्स ग्रो करना शुरू हो गए। ठीक है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यूज बनाया उन्होंने, जिसको हमने बोला कैलस। स्टूडेंट्स ये वन मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैलस। सो कैलस इज ए अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यूज इन द टिश्यू कल्चर प्रोसेस। और इस कैलस से टाइनी प्लांटलेट्स डिवेलप होना शुरू करते हैं जिनको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। सो सोमा क्लोन्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स प्लांट। क्लियर, सो इस तरह से हम सोमा क्लोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक को माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने प्लांट का वेरी स्मॉल पार्ट लिया था और उससे हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं जो डिवेलप कर लिए। सो इस टेक्निक को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया। अब टिश्यू कल्चर की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री वैरायटीज
थ्रू मेरिस्टेम कल्चर। अब ये क्या है, चलो हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ये शूट टिप है, यहाँ पे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। तो हमने ये एपिकल मेरिस्टेम को टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया। अब एपिकल मेरिस्टेम इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वायरसेस, तो हमारे पास जो भी प्लांट्स बनेंगे, न्यू प्लांट्स बनेंगे इससे, वो क्या होंगे, वायरस फ्री होंगे। सो मेरिस्टेम कल्चर से हमें वायरस फ्री प्लांट्स जो हैं वो मिलते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। अब आप समझ गए होंगे कि टिश्यू कल्चर की क्या एडवांटेजेस हैं। द प्लांटलेट कैन बी ग्रोन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हमारे पास जो है, हमने जो प्लांट का लाइफ साइकिल है उसको ही शॉर्ट कर दिया, हमने बिना सीड के ही ग्रो कर लिए, ठीक है। तो बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल प्लांट इज रिक्वायर्ड, हमें सीड की आवश्यकता नहीं है, प्लांट का कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। और वायरस फ्री प्लांट्स हमें मिलते हैं टिश्यू कल्चर से, एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सीजन्स, हमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। और टिश्यू कल्चर से जो है टमाटो, एप्पल, बनाना, ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से आजकल ग्रो किए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, नाउ लेट्स सी दीज टू डायग्राम्स। आप देख रहे हो कि ये पोमेटो प्लांट है, ये बोमेटो प्लांट है। आपने मार्केट में नहीं देखे होंगे ये प्लांट्स, बट दीज आर ग्रोन इन विट्रो बाय द साइंटिस्ट। इस प्लांट में, पोमेटो में क्या होता है, नीचे तो पोटैटो लगते हैं सॉइल के अंडर, और सॉइल के ऊपर टोमेटो ग्रो करते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है ना, अमेजिंग प्लांट। ऐसे ही बोमेटो नीचे पोटैटो ग्रो कर रहे हैं और ऊपर ब्रिंजल ग्रो कर रहे हैं। दीज आर एक्चुअली ग्रोन बाय द साइंटिस्ट बट स्टिल नॉट कमर्शलाइज्ड, अभी इनको कमर्शलाइज नहीं किया है मार्केट में, इसीलिए आपने इनको नहीं देखा है। अब ये कैसे बने, एक ही प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट स्पीशीज कैसे ग्रो कर गई? यस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं वो हम पहले समझते हैं। सपोज हमने एक पोटैटो का सेल लिया और एक हमने टोमेटो का सेल ले लिया, हमने इन दोनों की सेल वॉल को रिमूव कर दिया, ठीक है। सेल वॉल हमने रिमूव करी, सेल मेम्ब्रेन भी हमने रिमूव कर दी। हमारे पास ये दो प्रोटोप्लास्ट हैं, एक प्रोटोप्लास्ट पोटैटो का है, एक प्रोटोप्लास्ट टोमेटो का है। दोनों प्रोटोप्लास्ट को हमने फ्यूज कर दिया। फ्यूज के लिए एक केमिकल यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। आपने अगर नाम नोट करना है तो यू कैन नोट डाउन इन द कॉपीज, PEG की फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने में हेल्प करता है। जब दोनों प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए तो हमारे पास एक सिंगल सेल बना। उस सेल को हम फिर फर्दर टिश्यू कल्चर टेक्निक से प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे टिश्यू कल्चर करते हैं। सो एक्चुअल में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं ऑफ टू डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सो क्या लिखेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल्स ऑफ डिजायरेबल प्लांट्स, जिन प्लांट्स की क्रॉप्स को हमने मिक्स करना है, टू ऑब्टेन ए हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ये जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आया, हम इसको बोल सकते हैं हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? तो इसके लिए हमें सेल्स को आइसोलेट करना होगा, फिर उसके बाद हमें उसकी सेल वॉल को रिमूव करना होगा, फिर प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टू डिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है, हैविंग डिफरेंट करेक्टर्स, डिजायरेबल करेक्टर्स, उनको फ्यूज किया हमने PEG से और हमें हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिला। इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को हम फर्दर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई पोमेटो,
पोटैटो और टोमेटो के कॉम्बिनेशन से बना, बोमेटो ब्रिंजल एंड टोमेटो के कॉम्बिनेशन से एक हाइब्रिड प्लांट बना. क्लियर? सो इट इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट सेल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. क्लियर बच्चों? चलो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, SCP. पहले तो आप फुल फॉर्म समझो, सिंगल सेल प्रोटीन. क्या है ये सिंगल सेल प्रोटीन, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है. हमें पता है कि प्रोटीन हेल्प्स टू रिपेयर द वॉर्न आउट सेल्स, दे मेक द न्यू सेल्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो. ठीक है, आपने बैलेंस डाइट में प्रोटीन के फंक्शंस पढ़े होंगे. ठीक है, प्रोटीन हमें मिलती कहाँ से है? नॉन वेज मीट, एग, और अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें ग्रेन से, नट से प्रोटीन मिलती है. लेकिन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है वो प्रोटीन जो अपनी बैलेंस डाइट में मिस कर देती है, जिससे उनको मेल न्यूट्रिशन हो जाती है. ठीक है, उनके बॉडी के सेल्स हैं जो रिपेयर नहीं होते, न्यू सेल्स बन नहीं पाते, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है बॉडी में. तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स है वो ढूंढा गया, जिसको हम कहते हैं SCP. एनिमल फूड में भी एंड ह्यूमन फूड में भी सिंगल सेल प्रोटीन इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. क्या है ये सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड दैट्स टू गुड प्रोटीन. अब कौन कौन से सिंगल सेल जो हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे? स्पिरुलिना, ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गा है. इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है. क्लोरेला, ये भी एक सिंगल सेल्ड एल्गा है, ये भी प्रोटीन रिच सोर्स है. ऐसे ही एक बैक्टीरिया है मिथाइलोफिलस, इससे भी बहुत अमाउंट में प्रोटीन है जो पैदा की जा सकती है. और सबसे बड़ा फायदा है इनका कि इनको इजीली हम आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर कर सकते हैं. आपको पता है बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल तो आफ्टर 20 मिनट्स सेल डिवाइड हो जाता है. ठीक है, सो इस तरह से हम इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. और प्रोटीन के जो हमारी ऑप्शन है, जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, इन माइक्रोब्स की वजह से जो है पूरी की जा सकती है. ओके, ये देखो आप स्पिरुलिना और क्लोरेला की टेबलेट्स हैं, इसको पाउडर के रूप में भी यूज़ किया जाता है. क्लियर? स्पिरुलिना को अगर हमने ग्रो करना हो तो ये जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टार्च वेस्ट निकलता है, उस पे इसकी जो है स्पिरुलिना बहुत फास्ट ग्रो करता है. स्ट्रॉ, मोलेसिस, शुगर केन इंडस्ट्री में जो मोलेसिस बचते हैं, ठीक है, एनिमल मैन्योर, एनिमल वेस्ट के ऊपर भी ग्रो होते हैं, इवन सीवेज के ऊपर भी ये स्पिरुलिना फास्टली ग्रो करती है इन लार्ज क्वांटिटीज. जितना ज़्यादा ये ग्रो करेगी उतना हमें प्रोटीन का रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास. और ये प्रोटीन रिच तो है ही, इनमें मिनरल्स भी हैं, फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं. दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बॉडी को प्योरीफाई करते हैं और इन्वायरमेंट पोल्यूशन को भी कम करते हैं. ठीक है, जब हमने इनको वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ग्रो करना है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को फर्मेंट करते हैं, तो पोल्यूशन है जो कम होता है. अब स्पिरुलिना एंड क्लोरेला है, आप ये देख रहे हो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पे हैवी फूड तो लेके नहीं जा सकते ना, ये वहाँ पे हैवी फूड खाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो जाए इसीलिए स्पिरुलिना एंड क्लोरेला की टैबलेट्स लेके जाते हैं अपने साथ. सो इसीलिए स्पिरुलिना को बोलते हैं सुपर फूड. 1 mg, जस्ट 1 mg स्पिरुलिना है जो 1 kg वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से हमें जो प्रोटीन मिलता है, उतना प्रोटीन 1 mg टैबलेट ऑफ स्पिरुलिना से मिल सकता है. सो आप सोच सकते हो कि कितनी हाई प्रोटीन कंटेंट है इनमें. ठीक है, सो स्पेस फ्लाइट्स में इन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है जो स्पिरुलिना एंड क्लोरेला से
बनाई जाती हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इज बायोफोर्टिफिकेशन। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले आपको ये समझना होगा मेरे बच्चों। देखो, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में हमने देखा कि कैसे प्लांट की ईल्ड को बढ़ाया जा सकता है, कैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जा सकती हैं, कैसे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज स्ट्रेटजीज फिर भी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हमारी 840 मिलियन पीपल हैं उनको अभी भी खाना, पेट भर खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। और उससे भी ज़्यादा 3 बिलियन पीपल जो खाना जिनको मिल तो रहा है लेकिन वो हिडन हंगर का शिकार है। अब आप बोलोगे हिडन हंगर क्या है, हंगर तो हमने सुना हुआ है, भूख है ना, हिडन हंगर क्या है? हिडन हंगर का मतलब है कि हम डाइट तो ले रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, लेकिन उस डाइट में जो विटामिन्स हमें चाहिए, जो मिनरल्स हमें चाहिए वो मिसिंग है। तो दैट मीन्स वो डाइट इनकम्प्लीट है। और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, उससे मेंटल इम्पेयरमेंट होएगी, मेंटल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, हेल्थ पे इफेक्ट होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी कम हो सकती है एंड इवन डेथ तक हो सकती है हिडन हंगर से। सो हिडन हंगर का क्या जो है हम कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए नाउ कम्स इन सिनेरियो द बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन से हम जो हमारा स्टेपल फूड है जैसे वीट एंड राइस सब खाते हैं, तो उनमें हम ऐसी न्यूट्रिशन डाल दें ताकि हिडन हंगर ना हो सके और वीट एंड राइस खाने वाले जो मैक्सिमम वीट एंड राइस खाते हैं उनको पूरी न्यूट्रिशन मिल सके। सो व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग ऑफ, लेट्स मूव टू दैट स्लाइड, ओके, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट्स। जिस चीज़ की भी हमें लग रहा है कि इस क्रॉप में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मिनरल्स या विटामिंस, तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी से उस क्रॉप को मॉडिफाई कर देंगे। सो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हुए बायोफोर्टिफिकेशन के, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी को इंक्रीज करना, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना, विटामिन कंटेंट को इम्प्रूव करना और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट को इम्प्रूव करना इन द क्रॉप्स। इसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन और करना इसको हमने उसी तरह से है जैसे हमने प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स किए। जैसे प्लांट ब्रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि एटलस 66 जो वीट की वैरायटी है वो हाई प्रोटीन रिच वैरायटी है, तो उसके साथ हम कोई भी नॉर्मल वीट को क्रॉस करा देंगे तो उस वीट में भी प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एटलस 66 विद हाई प्रोटीन कंटेंट कैन बी क्रॉस्ड विद नॉर्मल वीट कल्टीवर टू इंक्रीज द प्रोटीन इन दिस वीट ऑल्सो। ऐसे ही साइंटिस्ट ने मेज का हाइब्रिड बनाया है जिसमें लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दिए। अब जो मेज, वो वाला हाइब्रिड मेज खाएगा उसको ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी में ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ऐसे ही हमने आयरन फोर्टिफाइड राइस की वेराइटीज़ डिवेलप कर ली कि जो ये आयरन फोर्टिफाइड राइस खाएगा उसमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, उसको अनीमिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आयरन फोर्टिफाइड राइस की वैरायटी में 5 times मोर आयरन है, ठीक है, एज कंपेयर टू द कॉमन वैरायटी ऑफ राइस। सो ऑल दीज आर द बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। सो हमारी बुक में ये 5-4 क्रॉप्स की एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये आपको लर्न करनी है कौन सी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं जो IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है उसने डेवलप की हैं ये बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, विटामिन ए इनरिच्ड कैरेट एंड स्पिनिच। कैरेट एंड स्पिनिच में विटामिन ए कंटेंट जो है प्लांट ब्रीडिंग से इनकॉर्पोरेट किया, ऐसे ही स्पिनिच में आयरन एंड कैल्शियम भी इंक्रीज किया, बीन्स में प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज किया और बिटर गॉर्ड
जिसको हम करेला बोलते हैं, उसमें विटामिन सी को इनकॉर्पोरेट किया, मस्टर्ड में भी विटामिन सी को इनकॉर्पोरेट किया। अब जो इन क्रॉप्स को, इन प्लांट्स को खाएंगे, उनको ये वाले विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी को मिल जाएंगे और इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। हमने ये चैप्टर जो कंप्लीट किया, अब आप इसकी बैक एक्सरसाइज कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है? वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर। टिल देन स्टडी वेल, लर्न वेल एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।